मोहब्बत करने वाला जिंदगी भर कुछ नहीं कहता कि दरिया शोर करता है, समुंदर कुछ नहीं कहता कि मेरे दिल से मेरे चेहरे का समझौता गजब का है, वो अंदर कुछ नहीं कहता, वो बाहर कुछ नहीं कहता। मैं चाहता हूँ नवल सुधांशु जी आए, आइए आइए, स्वागत। नहीं 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 नहीं, हम आरती लेके आए। आप सभी को बहुत प्रणाम करता हूँ। मंचस्थ मेरे अग्रज, मेरे छोटे भाई और समक्ष बैठे हुए बनारस के सुधी श्रोता, पंडित वंशीधर शुक्ल की भूमि से आया हूँ। लखीमपुर खीरी से मैंने आप तक की यात्रा शुरू की है, जहाँ से स्वतंत्रता संग्राम के कुछ स्वर उठे कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब्रैन कहाँ जो सोवत है, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। बहुत अच्छा लगता है। बनारस से सातवीं आठवीं यात्रा है हमारी। प्रतीक भैया बैठे हैं, उत्कर्ष और विजय लक्ष्मी शुक्ला जी उपस्थित हो चुकी हैं, मैं नहीं उपस्थित थी। आप इनके लिए तालियाँ बजा दीजिए और मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। ऐसे ही हमारा राष्ट्र उन्नति करे, चिंतनशील रहे और प्रगतिशील रहे। प्रगतिशीलता में ही विकास होता है, विकसित हो जाने में यात्राएं स्थगित हो जाती हैं। चार पंक्तियां मैं सुनाता हूं, बैठ जा भैया उत्कर्ष, चार पंक्तियां सुनिएगा। राष्ट्र के नाम एक बेटा क्या कहता है, तिरंगे के नाम सुनिएगा। एक दिन एक दिए ने कहा, एक दिन एक दिए ने कहा, मन पतंगे सा कोई नहीं। एक दिन एक दिए ने कहा, मन पतंगे सा कोई नहीं, और तप भगीरथ सा कोई नहीं, तप भगीरथ सा कोई नहीं, जल भी गंगे सा कोई नहीं, तप भगीरथ सा कोई नहीं, जल भी गंगे सा कोई नहीं। झूमते बादलों ने कहा, इंद्रधनुषों का भ्रम मिट गया। झूमते बादलों ने कहा, इंद्रधनुषों का भ्रम मिट गया, रंग सारे मिले हर जगह, रंग सारे मिले हर जगह, पर तिरंगे सा कोई नहीं। बहुत बहुत आभार। रंग सारे मिले हर जगह, पर तिरंगे सा कोई नहीं। चार पंक्तियां और सुनाता हूँ तिरंगे के नाम पर, तिरंगे सा कोई नहीं। सुनना, एक और बात जोड़ता हूँ। रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहा था और उस समय एक फोन आता है भारत या पड़ोसी मुल्क में आता है, मान लीजिए देश कोई भी हो, लेकिन एक फ़ोन आता है, कहता अब्बू मैं बहुत तगड़े से फंसा हुआ हूँ, जान माल सबका ख़तरा है, मैं कैसे भारत आऊँगा, कैसे मैं पाकिस्तान आऊँगा, कैसे मैं म्यांमार आऊँगा। जो भी था वो लोग फ़ोन कर रहे थे, तो उनके पिता ने एक सलाह दी उनको। आपने देखा होगा वो दृश्य कि कैसे हमारे एक साक्षात और प्रत्यक्ष देवता ने हम सभी के प्राण बचाए और भारत का गौरव बढ़ाया। मैं चार पंक्तियां निवेदित करता हूं उस पिता का जवाब, बेटे के नाम उसने क्या कहा, एक सलाह दी उसके नाम। उन्होंने कहा कि सुन बेटा, एक तरीका अपनाना तू, वो तरीका मैं आपको देता हूं और उसके माध्यम से जो सुरक्षाएं हुई वो मैं आपको प्रणाम करता हूं। सुनिए कि नफरतों से भी नाता तोड़ लेना, नफरतों से भी नाता तोड़,
छोड़ लेना और वतन की ओर तुम रुख मोड़ लेना, वतन की ओर तुम रुख मोड़ लेना। सुन बेटे, पराए मुल्क में जब जान पर आफत पड़े, पराए मुल्क में जब जान पर आफत पड़े, मेरे बेटे तिरंगा ओढ़ लेना, मेरे बेटे तिरंगा ओढ़ लेना। पराए मुल्क में जब जान पर आफत पड़े, मेरे बेटे तिरंगा ओढ़ लेना, मेरे बेटे तिरंगा ओढ़ लेना। चार पंक्तियां मैं सुनाता हूँ, गीतकार की हैसियत से उपस्थित हूँ तो अपना हस्ताक्षर करता हूँ, प्रेम के नाम मोहब्बतों के नाम, जितने लोग सुनना चाहें सुना। कोई लड़की जब छोड़ करके जाती है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जाओ, मतलब नहीं गए कूद लिए, मोहन भाई ये यही करते हैं, गए कूद लिए, ऐसा नहीं करना है। हम एक नया सलीका बताते हैं, एक तरीका बताता हूँ, सुनना। अब न पायल निहारो जो दी थी तुम्हें, सुनना, अब न पायल निहारो जो दी थी तुम्हें, और न बिंदिया सवारो जो दी थी तुम्हें, जा रही हो तो जाओ मगर ये सुनो, वो अंगूठी उतारो जो दी थी तुम्हें, जा रही हो तो जाओ मगर ये सुनो, वो अंगूठी उतारो जो दी थी तुम्हें, वो अंगूठी उतारो जो दी थी तुम्हें, पत्र का रंग स्वयं ही धवल हो गया, पत्र का रंग स्वयं ही धवल हो गया, और हमने जो कुछ लिखा वो अमल हो गया, तुम गई बाद में क्या हुआ ये सुनो, गीत तुम हो गई मैं नवल हो गया, गीत तुम हो गई मैं नवल हो गया, गीत तुम हो गई मैं नवल। और सुनना कि पथ आया है गिट्टी गिट्टी आई है, पथ आया है गिट्टी गिट्टी आई है, एक नगर से महकी मिट्टी आई है, एक नगर से महकी मिट्टी आई है, जिसने मेरे पत्र जलाए थे पहले, जिसने मेरे पत्र जलाए थे पहले, मुझको उस लड़की की चिट्ठी आई है, मुझको बहुत आभार आप सभी का, मुझको उस लड़की की चिट्ठी आई है, मुझ पर पूर्ण विराम लिखा है मेहंदी से, ये कैसा पैगाम लिखा है मेहंदी से, मुझ पर पूर्ण विराम लिखा है मेहंदी से, ये कैसा पैगाम लिखा है मेहंदी से, मेरा तो उससे भी मिलना जुलना है, तुमने जिसका नाम लिखा है मेहंदी से, तुमने जिसका नाम लिखा है मेहंदी से, तुमने जिसका नाम लिखा है मेहंदी से। चार पंक्ति और सुनना, तुमने जिसका नाम लिखा है मेहंदी से, और मौसम है जो बसंती सा हाल लग रहा है, मौसम है जो बसंती सा हाल लग रहा है, ताल का ये पानी बेताल लग रहा है, ताल का ये पानी बेताल लग रहा है, और आने लगे क्यों भंवरे मैं तुम्हें बताऊं, भैया आने लगे क्यों भंवरे मैं तुम्हें बताऊं,
कल से तुम्हें 16वां साल लग रहा है, कल से तुम्हें 16वां साल लग रहा। बहुत बहुत आभार।